क्रिस्ट में मेरे प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से हम आपके सामने प्रभु के वचनों को मनन चिंतन के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का सुसमाचार संत मती के अनुसार अध्याय 25 पद संख्याएं 31 से 46 तक लिया गया है। आज प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे न्याय के दिन की बात करते हैं और आज विशेष रूप से माता कलीसिया प्रभु येसु ख्रिस्त का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व मना रही है, ख्रिस्त राजा का पर्व। हाँ भाइयों और बहनों, येसु ख्रिस्त हमारे राजा हैं, वह विश्व मंडल के प्रभु और राजा हैं। आज वही राजा न्याय की बात कर रहा है। न्याय एक ऐसा न्याय जो आम राजाओं का न्याय नहीं है, उनका न्याय कुछ इस प्रकार होगा। न्याय के दिन राजा अपनी प्रजा को बकरियों और भेड़ों की तरह आप सामने रखते हुए आपस में एक दूसरे से अलग कर देंगे। भेड़ें एक तरफ होंगी और बकरियां दूसरी तरफ, और तब येसु ख्रिस्त लोगों से कहेंगे, क्या तुमने मुझे भोजन दिया? जब मैं भूखा था क्या तुमने मुझे पानी दिया? जब मैं प्यासा था क्या तुमने मुझे कपड़े पहनाए? जब मैं नंगा था क्या तुम मुझे मिलने आए? जब मैं बंदी गृह में था। तब लोग कहेंगे, प्रभु हमने यह कब किया? तब प्रभु कहेंगे, तुमने जब जब यह सब चीज छोटे से छोटे इन बच्चों के साथ किया, तब तुमने यह सब व्यवहार मेरे साथ किया। तुमने मुझे खिलाया जब मैं भूखा था, तुमने मुझे पिलाया जब मैं प्यासा था, तुमने मुझे कपड़े दिए जब मैं नंगा था, तुम मुझसे मिलने आए जब मैं बीमार था, तुमने मुझे देखा जब मैं बंदी गृह में था। और वे लोग जिन्होंने इनके विरुद्ध कार्य किए, वे लोग भी ईश्वर के न्याय के उस दिन प्रभु के सामने खड़े होंगे, और तब उनका भी न्याय होगा। और प्रभु तब उन्हें दंड देते हुए कहेंगे, ना तो तुमने मुझे खिलाया, ना ही मुझे पिलाया, ना ही मुझे कपड़े दिए, ना ही मुझसे मेरी बीमारी में मेरा हाल पूछा। और तब वे भी कहेंगे, प्रभु हमने कब आपके साथ ऐसा किया? तब प्रभु ने याद दिलाएंगे कि देखो, ये बच्चे जब तुम्हारे पास आए थे तब तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि इन बच्चों के रूप में ईश्वर होते हैं। जिस प्रकार ये बच्चे निर्बोध होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होता, इसी प्रकार हर मनुष्य जो अपने जीवन में पवित्रता भरा जीवन जीता है, वे लोग प्रभु की कृपाओं को प्राप्त करते हैं। और जब जब हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं, चाहे वह पापी हो या पाप ना करता हो, हमारा हृदय सभी लोगों के लिए सदैव खुला रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हम सभी क्रिस्तीय लोग हैं। यदि हम हमारे जीवन में प्रभु के वचनों को मानते हैं, तो हम यदि किसी अंधे को, दृष्टिहीन को देखते हैं, वो भीख मांगता होता है, तब हम ये ना सोचें कि सभी भिखारी लोग झूठे होते हैं। हमारा हृदय हमेशा दयावान होना चाहिए। हम न्यायकर्ता नहीं हैं, न्याय करने का कार्य ईश्वर का है। हम अपनी उदारता पूर्वक लोगों की सेवा करते रहें, लोगों की मदद करते रहें, चाहे हमारे मन में हो कि यह व्यक्ति जो हमसे भीख मांग रहा है, हमसे मदद मांग रहा है, यह झूठ बोल रहा हो। यदि वो झूठ बोल भी रहा है तो उसका न्याय ईश्वर करेंगे। हमारा कर्तव्य हमसे यही कहता है कि हम प्रभु के इस न्याय के लिए तैयार रहें, हमारा उदार हृदय सभी लोगों के लिए खोल दें, लोगों की मदद करें।
you.